देश के प्रसिद्ध स्मारक जीरो माइल के सौंदर्यीकरण और रखरखाव से नानुकूर करने वाले महामेट्रो को बुधवार को बम्बई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने जमकर फटकारा। कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के कारण मार्च महीने से बंद हुई आपली बस सेवा बुधवार से पुनः यात्रियों के लिए शुरू। 219 दिन के अंतराल के बाद यह सेवा शुरू। 7 साल के बाद शुक्रवार को शरद पूर्णिमा का योग। राजयोग सिंह में उदय होगा चंद्रमा, लक्ष्मी पूजन के लिए रहेगा खास। 5 शुभ योगों में मनेगा ये पर्व। त्योहारों के चलते ट्रेनों में बढ़ेगी गश्त। राजधानी दुरंतो संघमित्रा पर आरपीएफ की रहेगी पैनी नजर। तो वहीं रात में चलने वाली गाड़ियों में विशेष दस्ता होगा तैनात। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान। पारा खिसका 18 डिग्री के नीचे पहुंचा। 24 घंटे में 1.7 डिग्री सेल्सियस की आई गिरावट। अपराध शाखा पुलिस ने 14,94,000 का माल किया जब्त। मोबाइल लोकेशन से पुलिस को मिली सफलता। 2 वाहन चोर गिरफ्तार, नागपुर से चुराते थे और मध्य प्रदेश में बेचते थे। ओटीपी साझा करना पड़ा महंगा। 2 लोगों के खाते से 2,86,000 रुपए उड़ाए गए। नंदनवन और सक्करधरा पुलिस ने किया मामला दर्ज। साइबर सेल जुटी जांच में। कोरोना मरीजों के आंकड़ों में आई स्थिरता। 342 मरीज तो वहीं 12 की हुई मौत। कोरोना मरीजों जिले में संक्रमितों और मृतकों की संख्या कम होते होते अब हुई स्थिर। रोजाना 200 से 400 के बीच ही संक्रमित मिल रहे हैं। धार्मिक स्थलों पर बकरों की बलि से मचा हंगामा। मेनका गांधी की पहल पर कामठी थाने में 2 पर हुआ मामला दर्ज। बकरा बलि के मामले में पहली बार नागपुर में दर्ज हुआ FIR।